Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसके कमरे में। मासूम अक्सर कहती थी कि नफरत है उसे अपने बाप से। ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अकेला नहीं आया, बल्कि किसी और को भी साथ लाया। कौन? वही जिनका आपको बरसों से इंतजार था। मुझे चांद से मारकर मासूमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे बेटे को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं जो आपको बाप ही ना मानता हो। मुझे और माँ जी को अपनी कैद से आजाद कर दीजिए, या फिर जिंदगी की कैद से। देखो बेटा, मुझे बेटा कहने का हक आप खो चुके हैं। मुझे बस अपनी माँ के पास जाने दीजिए। बेटा, तुम्हारी अम्मी जान का हर गिला जायज है। मैं खुद को तुम लोगों की तमाम मुश्किलात का सजावार समझता हूं। दरअसल अनजाने में मुझसे एक संगीन गलती सरजद हो गई थी, जिसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, और मुझे सुनवाई से पहले उसकी सजा दी जा सकती थी। बुज़दिल था, डर के भाग गया। लेकिन जब एहसास हुआ कि मेरी गलती की सजा तुम लोगों को भी मिल सकती है, तो रابطہ करने की कोशिश की। वो घर भी तुम लोगों से खाली करवा लिया गया था, घर का नंबर भी अंडर ऑब्जर्वेशन था। कोशिश की कि इल्जाम धुल जाए। जब हालात ठीक हुए, वापस लौटा, तो पता चला कि तुम लोग घर छोड़ के जा चुके हो, बल्कि वो शहर ही छोड़ के जा चुके हो। उनकी तलाश में लाहौर पहुंचा और खुदा से दुआ मांगता रहा कि किसी भी तरह से मुझे मेरी बीवी और बेटियों से मिला दे, ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। आप जानते हैं अम्मी जान, इस वक्त हम कहाँ हैं? गैरों की पनाह में। और ये पनाह कब तक रहेगी, कोई अंदाजा है आपको? और अगर ये पनाह ही हमसे छीन ली गई, तो कहाँ जाएंगे हम? अगर तू अपने बाप की हिमायत में ये सारी बातें कर रही है, तो चुप हो जा। बकवास बंद कर, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। उनकी हिमायत में नहीं कह रही, वो तो कब के जा चुके हैं और शायद कभी लौट के भी ना आए। अब आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? अगर ये छत भी हमसे छीन ली गई, तो कहां जाएंगे हम? मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, जिसने हमेशा हमें हर पनाह छिन जाने के बाद नहीं बनाती है, वही हमें पनाह देगा। भरोसा तो मुझे भी है अल्लाह पर, और यही मानते हुए कह रही हूं कि अल्लाह ने ही अब्बा जान को हमारे पास भेजा है एक नई पनाह का बनाकर, एक मुस्तकिल पनाह का। आपने अपनी जिंदगी के 17 बरस उनके साथ गुजारे हैं, और आपको हमेशा यही गिला रहता था कि वो आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन 5 बरस उनके बगैर गुजारने पड़े, तो आपको यकीन हो गया
कि आप उनकी पनाह में थी। अब वो लौट आए हैं अम्मी जान अपनी शर्मिंदगी के साथ। अब वो आपकी परवाह भी करेंगे और हमारा ख्याल भी रखेंगे। आपको मानना होगा कि आप अकेले अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती। आप उनके बगैर अधूरी हैं। हाँ हाँ अधूरी हूं मैं मानती हूं कि मैं अधूरी हूं, और मैं ये भी मानती हूं कि मेरे पास अपनी बेटियों के समेत खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, और जो रास्ता था उसमें मेरी मासूमा उस दलदल में फंसी जा रही है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उस शख्स को दोबारा कबूल कर लूं जिसकी वजह से हम आज इस मकाम पर, इस जगह पर पहुंचे हैं। दिल को इल्जाम मत दीजिए अम्मी जान, ये दिल की नहीं दिमाग की बगावत है, क्योंकि ये अना की जंग है और अना की जंग दिल से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। अपने दिल से पूछिए आप उन्हें कबूल करना चाहती हैं या नहीं, और अगर आपका दिल भी यही फैसला देता है तो मैं भी आपका साथ दूंगी। चली जा लीमा, चली जाए यहां से, जा मुझे अकेला छोड़ दे, चली जाए यहां से। जैसे ही हम अंसार गुल को कत्ल करें तुम उसके घर जाकर उसकी बीवी को गिरफ्तार करो और उस पे अंसार गुल के कत्ल का मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा बना के उसे हवालात में डाल दो और रेशम को हवालात में ही खत्म कर देना। काश मैं किसी रोशन को तुम्हारी जिंदगी में लाया ही ना होता। तुम्हें धोखे से अपना बनाने की कोशिश ना की होती, भीख मांग ली होती तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की, लेकिन खैर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब हालात का तकाजा यह है कि हमें इंसार गुल से जान छुड़ा लेनी चाहिए। हालात और मौके दोनों हमारी फेवर में। वो कैसे? वो ऐसे कि अब इंसार गुल की बीवी भी उसे मारना चाहती है, उसे हमारी मदद चाहिए और हमें उसकी, और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही हम इंसार गुल को कत्ल करें तुम उसके घर जाकर उसकी बीवी को गिरफ्तार करो और उस पे इंसार गुल के कत्ल का मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा बना के उसे हवालात में डाल दो और रेशम को हवालात में ही खत्म कर देना, ताकि रेशम बेगम किसी बयान में ये ना कह सके कि अंसार गुल को मारने में हमने उसकी मदद की थी या उसने हमारी। मगर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भी अब हम तुम्हें बताएंगे। 101 तरीके होते हैं तुम्हारे पास ऐसा करने के, लेकिन कुछ नहीं, 101 तरीके में से एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। जहरीली गैस सुंघा के मार देना। यार उसका गला काट देना और पास हथियार रख देना, कहना कि शर्मिंदगी में उसने अपने आप को काट दिया। कोई और तरीका बताएं? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या करना। चल फिर ठीक है, इंतजार करना हमारे उस वक्त का जब हम तुझे कहेंगे और तू फौरन उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा। निकल अब, शाबाश। देखो अब सार बस करें बाबा जाना, बस करें। झूठ नहीं बोल सकते आप मेरे साथ, क्योंकि आपके हर जुर्म की तफसील है मेरे पास सबूतों के साथ। मासूमा को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए और फिर कहते हैं कि शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं? सिर्फ शरई जवाब ढूंढ रहे थे आप, वो भी सिर्फ कानूनी तौर पर यह साबित करने के लिए कि मासूमा एक तलाक याफ्ता लड़की है। बंद करो अपनी ये बकवास। अगर आपके थप्पड़ मारने से ही मैं खामोश हो जाता तो आपका पहला थप्पड़ ही काफी था मेरे लिए। मुझे खामोश करवाने के लिए आपको मुझ पर गोली चलानी होगी। जहां इतने गुनाह करके उनके जवाब ढूंढ रखे हैं, वहां ये गुनाह भी कर दीजिए। मुझे जान से मारकर मासूमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। मुझे और माँ जी को अपनी कैद से आजाद कर दीजिए, या फिर जिंदगी की कैद से। देखो बेटा, मुझे बेटा कहने का हक आप खो चुके हैं, मुझे बस अपनी मां के पास जाने दीजिए, उनकी जान को खतरा है। जहीरा भी कोई एक्शन नहीं लेना, जब तक साले और अलीमा इस घर में हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे।
वरना अंसार गुल रिएक्शन के तौर पे कुछ भी कर सकता है। हाँ, कहा जा रहा है कि ये घर उसके बेटे ने दिलवाया है। कहते तो हैं कि वो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे अंकल, अगर आपको लगता है कि अब सार अपने बाप के साथ मिला हुआ है तो प्लीज अपना शक दूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि वो सिर्फ हमारी मदद कर रहा है। बेटा, तुम्हारा यकीन 100% ठीक है, लेकिन हमें हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तो अंकल, आपका क्या ख्याल है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? बेटा, वक्त और हालात को मद्देनजर रख के ही कदम उठाना होगा। जब अंसार गुल को मारना ही है तो फिर वक्त और हालात दोनों हमें खुद ही पैदा करने होंगे। रोशन, अगर अंसार गुल को मारना पड़ा तो मैं खुद करूंगा, तुम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं करोगे। ओके जी। मासूमा, मैं आज अपना हर जुर्म कबूल करने आया हूं। अपने तमाम गुनाहों का इतराफ करने आया हूं। मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की कि तुम्हें किसी चीज का पता ना चले यार। जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूं जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं सब कुछ खोने लगा, यहां तक के अपना बेटा भी। मैं सब कुछ खोकर जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन अपने बेटे को खोने का सोच भी नहीं सकता। तुमने ठीक कहा था तुमने कि कोई तो है जो मेरे लिए बद्दुआएं कर रहा है। मैं अब उन बद्दुआओं का असर जाहिल करना चाहता हूं, तुम्हें आजाद करना चाहता हूं अपनी कैद से भी और अपने साथ हर ताल्लुक के कैद से भी। लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। जब तक सिकंदर अली जिंदा है तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें खुद रोशन के हाथ सौंप दूंगा। खुद तो तुम्हें खुशी दे ना सका, कम से कम रोशन के साथ एक सुकून भरी जिंदगी तो दे दूं। आखिर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि काश मैं किसी रोशन को तुम्हारी जिंदगी में लाया ही ना होता। तुम्हें धोखे से अपना बनाने की कोशिश ना की होती, भीख मांग ली होती तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की, लेकिन खैर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो जेवर आपने मेरे ना कहने के बावजूद मुझे लेकर दिए, शौक से पहना है, वो सब बेच दिए मैंने। घर के बर्तन, फर्नीचर, सब चीजें, और नौबत यहां तक आ गई। मासूमा, प्लीज साले, आगे आगे कुछ मत कहना। अंसार, मुझे अब आपसे कोई धोखा नहीं चाहिए और ना ही आपके साथ अपनी कोई जिद मनवानी है मुझे। आप जैसे चाहते हैं अपनी जिंदगी गुजारिए। आपको मासूमा मुबारक हो, अपनी जिंदगी में भी और आपके इस घर में भी।
आपको क्यों लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी? इसलिए कि तुम सालिया हो। काश मैं भी एक साले शख्स होता ताकि तुम्हारी बराबरी कर सकता। मैं तो तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं हूं। आप में तो बड़ी अना थी, कहां गई वो अना? क्यों बैठे इस दर पर? साले है ये मर्द एक बहुत कमजोर और गैर महफूज जानवर है और इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ भी है, इसीलिए वो अपनी इस कमजोरी को मस्नूई मजबूती के लिबादे में ओढ़े रखता है, उसके पीछे छुपा रहता है। तुम्हारा मुजरिम हूं, तुम्हारी मासूमियत का मुजरिम हूं। ये ख्याल आने में आपको 5 साल लग गए। बताइए क्यों छोड़ा आपने हमें इस तरह बेसहारा? मैं कहां जाने वाला था सालिया? मैं तो हर वक्त तुम्हारे एतबार की धज्जियां उड़ा रहा था और मुसलसल तुम्हारी पाकीजगी की तौहीन कर रहा था अपनी अयाशियों की वजह से। और एहसान अली जैसे लोग मेरी इस कमजोरी से फायदा उठा रहे थे। ऐसी ही बदमस्ती में मैंने कुछ कागजात पर दस्तखत कर दिए सिर्फ किसी को खुश करने के लिए। बाद में पता चला मेरे दस्तखत असल में उनकी सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे थे। नतीजतन खुफिया इदारे मेरे पीछे पड़ गए। इत्तला मिली के मुझे अरेस्ट करने पार्टी मेरे दफ्तर आ रही है। मैं दफ्तर में था, वहां से भाग निकला, फिर सोचा कि तुम लोगों के पास आऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, मेरी वजह से तुम लोग भी धर लिए जाओगे। गलती बड़ी संगीन थी, मुझे ऐट द स्पॉट मारा भी जा सकता था, लिहाजा डर के मैं मुल्क से भाग निकला। बाद में मैंने बड़ी कोशिशें की कि तुम लोगों से राबता हो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, इस डर से कि मेरी वजह से वो भी न धर लिए जाए। लेकिन सालिया मैंने ये गलती दौलत हासिल करने के लिए नहीं की। प्लीज मुझे ये ताना कभी ना देना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दौलत की भूख कभी भी नहीं थी। आप जानते हैं आपके बाद कैसे गुजारा मैंने वक्त? जो जेवर आपने मेरे ना कहने के बावजूद मुझे लेकर दिए, शौक से पहना है, वो सब बेच दिए मैंने। घर के बर्तन, फर्नीचर, सब चीजें, और नौबत यहां तक आ गई कि मासूमा। प्लीज साले आगे आगे कुछ मत कहना। मुझे मेरे किए की सजा उस वक्त ही मिल गई थी जब मुझे पता चला कि मेरी औलाद मुझ जैसे दरिंदों की कैद में है। मैं कितनी मजबूर हो गई थी कि ये भी ना बताऊं आपको। मैं समझी थी एहसान अली पर आपके बहुत एहसानात हैं, वो हमारी मदद करेगा जरूर। उसने हमारी मदद तो की, लेकिन उसके बदले में हमारी इज्जत। एहसान अली जैसे लोग मुझ जैसे कमजोर बुजदिल मर्दों की वजह से जिंदा है, लेकिन सालिया अब उसे मैंने खत्म करना है। असल मुजरिम तुम्हारा हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा।
बस मेरी बच्ची को ला दीजिए, मेरी बच्ची को ला दीजिए, मेरी बच्ची को ला दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी, इसीलिए लौट आई हूं। आप भले अपनी कोशिशें जारी रखें। वो बस उस दिन गुस्से में आपको और आपके गुस्से को अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप भी मेरी इज्जत को जानते हैं। तुम्हारी इज्जत के सामने मैं हार मानने की जरूरत नहीं है अंसार। जितनी बार भी आपने मासूमा को दिल से निकालने का कहा, हर बार धोखा ही दिया आपने। इस बार तुम्हें धोखा नहीं होगा। अच्छा, लगता है पक्का इरादा कर लिया आपने कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, मेरा यकीन करो। इसका मतलब है कि मासूमा को आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हाँ। और अपने इस घर से। धोखा देने से पहले, मुझे इस तरह एक नया यकीन दिलाने से पहले कम से कम उसकी तैयारी तो कर ली होती आपने। बाहर उसकी जान को खतरा है रेशम, और अंदर मेरी जिंदगी को, क्योंकि मैं अंदर बाहर की हर बात जान चुकी हूं। अंसार, मुझे अब आपसे कोई धोखा नहीं चाहिए, और ना ही आपके साथ अपनी कोई जिद मनवानी है मुझे। आप जैसे चाहते हैं अपनी जिंदगी गुजारिए। आपको मासूमा मुबारक हो, अपनी जिंदगी में भी और आपके इस घर में भी। और इस बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको क्या लगता है मैं आपको धोखा दूंगी? तुम धोखा देने वालों में से नहीं हो, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम हार मानने वालों में से भी नहीं हो। दोनों में से कोई एक ही सूरत हो सकती है, या तो मैं धोखा दे रही हूं या फिर मैं हार मान रही हूं। तीसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। जो आप सोच ले उसी पर यकीन कर लीजिए। और हां, मैंने आपको मासूमा के साथ शेयर करने के लिए खुद को मनाया है। आपके दिल और घर की हुकूमत उसके हाथ सौंपने पर नहीं। अब्बाजान, आप सब अपनी जानें खतरे में क्यों डाल रहे हैं? इसका कोई कानूनी तरीका भी तो हो सकता है ना? कानूनी तरीका होता तो सबसे पहले वही चुनता। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम जानते हैं कि उसने जबरदस्ती उसके साथ निकाह किया होगा, लेकिन वो निकाह रजिस्टर्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। कानूनी रास्ते पर जाने का मैं भी कायल नहीं हूं, क्योंकि वो कानून का ही गलत इस्तेमाल करके हमें अभी तक शिकस्त देता है। रोशन, मुझे लगता है कि तुम गलत कदम उठाने का सोच रहे हो। अंकल, गलत लोगों के साथ गलत ही किया जाता है। ऐसे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे मामलात में टांग मत अड़ाया करें। किस बात पे जिद कर रहे हो? इतना भड़क क्यों रहे हो तुम? जब मैं सोचता हूं कि उसने मासूमा के साथ कैसा कैसा सलूक किया होगा तो खून खौल उठता है मेरा। दिल करता है कि टुकड़े टुकड़े कर दूं उस इंसान को। मासूमा जिंदा है, क्या इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? मैंने मासूमा की आंखों में ऐसी मजबूरी देखी जो देख के मैं तड़प गया हूं। कैसा कैसा सलूक किया होगा उसके साथ, कैसे मजबूर किया होगा उसे कि वो आके मुझसे तलाक मांगे। वो तलाक इसलिए मांग रही थी क्योंकि अंसार गुल ने उसे तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी थी।
मतलब ये है कि आपकी बीवी उनके साथ मिली हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ जोय साहब। जो कुछ मुझे सिकंदर चौधरी और एहसान अली ने बताया है 100% आपको बता रहा हूँ। चाहो तो मार डालो। इस पिस्तल में यकीनन गोलियां नहीं होंगी। अगर मैंने गोली चलाई और पिस्तल खाली निकली तो मुझे मार डालेगा ये। ATV, सारे रंग हमारे।